दो दिन की जिंदगी है, क्या है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो। करेगी तू भी, करेगी तू भी, करेगी नाम रोशन करेगी तू भी। क्या मस्त दरात है तुम्हारी, वाह भाई वाह, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। आज जो ये खटाई है वो सिर्फ नींबू नींबू की है, तो बड़ा मजा आएगा। चाची अब बोलने से क्या होता है, जैसे ऐसे मत बोल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, रे क्या हालचाल, मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे अनुष्का लोगों के घर से हो रही है। मैं गौशाला आया था और गौशाला से घर जा रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर। आज खटाई बनाने की तैयारी हो रही है, सबसे पहले नमक पीसा जा रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। अनुष्का नमक पीस रही है, ये देख रही है कि कैसे नमक पीस रहा है। और दादी क्या कर रही है, और दादी बैठी है और साथ साथ में उसको जो ये मिर्च है वो छांट के दे रही है पीसने के लिए। तो जैसे ही नमक पीसता है उसके बाद आज बहुत दिनों के बाद लाजवाब खटाई बनेगी, तो यहाँ पर ये खटाई बनाने की तैयारी करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की ओर, जहाँ पर अपने तीन भाई लोग ये देख सकते हैं, जो डब्बे वाली गाड़ी परसों आपको दिखाई थी मैंने, उसी का आनंद ले रहे हैं। और आज थोड़ा कुछ नया है इसमें। ये तो आज जो ऊपर का हिस्सा ना वो पूरा काट दिया है, अब बैठने में भी आसानी हो रही है, और जो ये जो फिसलन है ना वो भी और तेज हो रही है। ये बात तो भाई साहब इस गाड़ी का आनंद किस प्रकार लेते हैं जरा आपको बताते हैं। और रास्ते में बहुत लोग आ रहे हैं, जरा हट जाओ। ओ, 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 बहुत बढ़िया। चलो अब नितिन भाई की बारी, आ जा। अब की बार देखिए भाई साहब कितने ऊपर चले गए हैं। और ये देखिए इसके हाल, एक डब्बा तो खराब हुआ हुआ, अब ये एक नया डब्बा भी लेके आ चुका है। ये भी कोशिश कर रही है खेलने की, लेकिन इतना मोटापा इसके शरीर में है कि वो फिसल ही नहीं पा रही है। जा दो वहां देखते हैं हम, तू भी फिसल पाती है। बोल एमा, तू भी बैठ। एमा माँ, माँ नहीं सुन रही यार, चल आजा आजा आजा, ये देखो। आजा आजा आजा। हाँ हाथ लगा रही है नीचे, हाथ जब छिलेंगे ना पूरे। शाबाश 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 शाबाश, करेगी तू भी, करेगी तू भी, करेगी नाम रोशन करेगी तू भी। और ये देखो उसे छीन रहा है। ए चाची तू भी बैठ उसमें, उसमें बैठो गाड़ी में। हाँ वो देखो सर करके आ रही गाड़ी, वो देखो एक्सीडेंट हो गया पीछे से, हटो हटो हटो। वो देखो आजा 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 आजा, ये देखो ऐसे देख कितनी मस्त गाड़ी आ रही पीछे से। ये हाँ और रोड़ी नहीं आ रही है तब, और कहाँ की तैयारी हो रही है अभी। उस दिन से पिंडाल लगा रहे हैं, कितने पिंडाल लगा रहे हैं। अरे तुम भी यार अत्यू कर रहे हो, तुम भी तभी नहीं हो रहे हो। हाँ चाची ना जाना, खटाई बन के तैयार होगी, चाची पहले यहाँ पहुँच गए चाची। हाँ और ये देखिए जो अभी अभी नया डब्बा यहाँ पर पहुँचा है, तो इसका भी कार्यक्रम शुरू हो गया है कटने का। भाई साहब काट रहे हैं, नितिन भाई देख रहे हैं, और गणेश महाराज बता रहे हैं भाई साहब को कि किस प्रकार काटना है। अच्छा पहला वाला किसने काटा था। और यहाँ देखिए खटाई बनाने से पहले जो नींबू छिले हैं ना, तो उनके जो बाहर के कवर हैं वो यहाँ पर सब के द्वारा निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी चाची और दादी है उन्होंने साफ कर दिए हैं, साफ खा लिया हमने, ठस ठस करके खा रहे तुम अपने आप, पूछ भी नहीं रहे हमको। पूछ रहा हूँ, उस टाइम से बोल रहा हूँ तुमको कि ले जाओ ले जाओ, तब भी तुमने खत्म कर दिए पूछते पूछते। तो ये देखिए फिर भी सभी लोगों को थोड़ा बहुत मिल गया है, और मैंने तो दो ले लिए हैं। और दादी तुमने कितने खाए। दादी ये कि पटकन रखे हैं, दांत न होने का ये नुकसान है।
तो अभी जो खटाई है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और चाची ने मुझे दे दी है और दादी बोल रही है क्या बहुत बढ़िया खट्टी तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है बल ठेक। तो आज जो ये खटाई है वो सिर्फ नींबू नींबू की है, तो बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों से चटपटा और खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो फटाफट अभी खाते हैं और चाची बोले गिलास में खा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे गिलास ही मिला तो मैंने सोचा गिलास ही में मांग लेते हैं। तुम बताओ कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हो रहा है अच्छा। दांत दांत सिला तो नहीं जा रहे हैं? चले जाएंगे तो क्या है, आंखें बंद तो खूब हो रही तुम्हारी। इधर लाओ खट्टा हो रहा तो रेंदो रेंदो है मेरे पास। और यहाँ देखो चाची के द्वारा चोरी हो रही, चोरी नमक की चोरी, चोर 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 मचाए शोर। हाँ नहीं हो रही चोरी तब, हाँ ठस ठस करके लुका के निकाले तुम। इस नमक का क्या करोगे अब घर में? लोग बोलेंगे कि चाची ले लगा, सारी चाची भी चोर हो गई, चोर कर रही है। कर रहे हैं तो कर रहे हैं। क्या करवाते हैं लूनो की मत खाना? ये मनोहर की रोटी बनाएंगे खाएंगे। हाँ तो यहाँ पर चाची घर आ रही है और मुझे बोल रही है ऐसे मत बोल बल कि नमक जो है वो चोरी करके लाई, और चोरी गया हुआ नमक घर भी नहीं पहुँच रहा है। चाची ने रास्ते ही में खो दिया था वो, फिर दोबारा भागे भागे रास्ते में गई, तब जाके ढूंढ के लेके आई है नमक की पोटली। और चाची अब बोलने से क्या होता है, जैसे ऐसे मत बोल। हाँ फिर लोग बोलेंगे बाज बंद हो गई, ऐसे ठस करके मत बोलो, तभी तो सोचेंगे लोग ज्यादा चोरी करके सच में लाए। सब बोल रहे हैं ले लगा, सारी चाची को हमारा प्रणाम बोल देना। हाँ बोला नहीं? अब बोलो ना, आशीर्वाद दो ना, तो आशीर्वाद दो, ऐसे बोलो सभी लोग सदा खुश रहो संपन्न रहो। हाँ बोलो ना खाली हो कर। आशीर्वाद देने के लिए चाची ने वहाँ से नहीं दिया, अब बैठी गई यहीं पे। अब दो आशीर्वाद, आशीर्वाद है सबके लिए, ठीक है? दो दिन की जिंदगी है, क्या है, मौज मस्ती करो, खाओ पियो, ऐश करो, आराम से। और वहाँ जठा जी हंस रहे हैं तुम पे, शर्म आ गई। जठा जी भी बोल रहे तथास्तु, बोलो बोल तथास्तु। ये गिले कहाँ से आया? ये गिले आया ठेठ रुद्रप्रयाग से। हाँ खाना पीना भी खाना है अब? अरे अब खाना नहीं, खटाई खा ली तुमने पेट भर के। खा लिया तो, पर खाना भी तो खाना है। खाना कौन बना रहा है? बना रहे हैं उनके बुड्ढे। बुड्ढे जी हाँ? हर जगह के बुड्ढे खूब खाना बनाते हैं नी। बुड्ढे नहीं बनाते तो हम भूख से मर जाएंगे। हाँ तो बुड्ढे जी के लिए नमक ले जाओ गिफ्ट में। हाँ चाची बुढ़े जी को घर में जाना, सीधे बोलना लो जी मैं आपके लिए नमक लेके आई। दोस्तों अभी मौसम ने अपनी जो करवट है वो बदल दी है और आसमान में बादल छा गए हैं और जो मौसम है एकदम एक बार फिर ठंडा ठंडा हो गया है, इसीलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया है और साथ साथ में टोपी भी पहन ली है। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए अपने पहाड़ी किचन में, क्योंकि खाना तैयार है और भूख भी थोड़ा बहुत लग रही है, तो देखते हैं आज खाने में क्या है। और आज खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल है, भात है, और जो ये अचार है ना, ये हमारे घर के जो नींबू है उसका अचार है, ये हमने नहीं बनाया है बल्कि किसने बनाया है? मेरी लड़की ने। कौन लड़की? अगस्त मुनि रहते है जो। कौन रहती है? मीना। तो अब दीदी ये वीडियो देख रही होगी तो ठस करके हंस रही होगी। तो चलो अभी खाते हैं और अचार कैसा हो रहा है वो आपको बाद में बताएंगे। और भाई साहब बोले अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और मौसम तो अभी बारिश का बना हुआ है, और चाची बोल रही है एक दसला भी लाना है। और कहाँ से? ये वाला? अरे वाह क्या मस्त दराती है तुम्हारी, वाह भाई वाह, इसको अवार्ड मिलना चाहिए। हैं बहुत दिन से मिला, कहाँ डाल लगा था? ए मिट्टी के थोड़ा डाल लगा था बल। तो अभी मैं अब जा रहा हूँ गांव भ्रमण पर, और मौसम खाना खाने के समय से अभी तक
वैसे ही बना हुआ है, हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी चल रही है और बारिश आगे हो सकती है, लेकिन पहाड़ों में कुछ बोला नहीं जाता है मौसम को, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। अभी क्या पता धूप भी लग सकती है और तगड़ी वाली बारिश भी हो सकती है। और यहाँ हमारे गांव के होनार बच्चे बीच रास्ते में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या हो गया रे, काहे चिल्ला रहे हो इतना, ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रहे हो? क्या बोला मैंने, ध्वनि प्रदूषण क्यों फैलाया? जानबूझ के जो है ऐसा कर रही है। और ये पीछे से खुशी जी कहाँ जा रहे हो आप, है खुशी जी? अरे बोलो तो सही, साई अजी तुम जी साई। सब साई, वो घास लेके जा रही, तुम खाली आ जा रहे हो। और यहाँ ऊपर दिखाएं तो यहाँ पर गणेश महाराज और हमारे जो रोहित नल्ला डॉन है, वो सुबह जो डब्बे की गाड़ी दिखाई थी ना आपको, उसमें खेल का आनंद ले रहे हैं। और जो अभी ये घास लेके जा रहे थे, ये भी वापस गाड़ी को देखने के लिए आ चुके हैं। तो तुम भी बैठ रहे हो आराम से भाई, आराम से, मैं ही ना गिर जाऊं कहीं। आया मजा रोहित की तो हालत खराब हो गई जी, अब तू भी आएगा? चला मैं आ रहा हूँ, अब मैं बैठने तो थोड़ा, मेरे को बैठने तो, उतने ऊपर से नहीं, हम यहीं से जाएंगे। ला 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 तो चलिए अभी एक बार फिर डब्बे गाड़ी का आनंद ले लिया है तो मजा आया। तो घूमते घूमते फिरते फिरते चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं वहीं पर जहां पर अनुष्का लोगों की मकान बन रही है और सब लोग यहां पर दिहाड़ी पे लगे हुए हैं। बापूजी, भाई साहब, अनुष्का, चाची, नाना और इधर एक छोटा सा भाई कार्तिक जिसके गले में बाघ के दांत भी हैं। ये किस चीज़ के दांत हैं, हैं? चुपते भी हैं ऐसे ही ऐसे करके? अरे वो निकल गए, निकल गया दांत सीधे। और यहाँ पर अपनी माँ भी अपनी इंजीनियर गिरी झाड़ती हुई कि ऐसा नहीं करना था वालू, ऐसा नहीं करना था। तो अपनी माँ के हाल तो कुछ ऐसे ही हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती है। क्या दिक्कत हो गई माँ, दिक्कत क्या है? तो अभी माँ अपनी हिंदी में बात नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर माँ के जठा जी बोले तो अपने ताऊ जी हैं तो अपने पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जठा जी से थोड़ा शर्माते हैं। तो अभी जो ग्रेटिंग का काम कर रहे थे वो पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हम आए हैं अनुष्का लोगों के घर पे और यहाँ पर अनुष्का ने ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय बना दी है, तो इसी का आनंद सभी लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और मौसम की अगर मैं भी बात करूँ ना तो आप देख सकते हैं मौसम ज्यों का त्यों बना हुआ है, बस आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और अभी तक कोई भी बारिश नहीं हुई है।